यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकियाह राजा ने उसके पास मलकियाह के पुत्र फशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकियाह से यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरने वाले कश्तियों से लड़ते हो, उसको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा, और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूंगा, और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने वालों को मार डालूंगा, वे बड़ी मरी से मरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि उसके बाद हे यहूदा के राजा सिदकियाह, मैं तुझे और तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर और उसके प्राण के शत्रु के वश में कर दूंगा, और वह उनको तलवार से मार डालेगा। वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कोमलता करेगा और न कुछ दया। और इस प्रजा के लोगों से यो कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूं। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए तो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। सो यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यो कहता है कि भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हो को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चट्टान में रहने वाली, मैं तेरा विरोधी हूं। तू तो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन बैठ सकेगा, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा और मैं उसके वन में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा।